चाइनीज हॉस्पिटल चाइना के जदीद और मेडिकल इदारों से एफिलिएटेड है जिसमें नन जिंग टी सी एम यूनिवर्सिटी चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल और ही यूनाइटेड यूनिवर्सिटी सर हैं। चाइनीज हॉस्पिटल लिमिटेड पिछले चौदह साल से तजुर्बेकार चाइनीज मेडिसिन स्पेशलिस्ट के जेन निगरानी अपनी खिदमत मुहैया कर रहा है

मिस यन हुआ सन चाइनीज मेडिसिन में 28 साल तजुर्बा रखती हैं। सन ने 1983 में मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना से चाइनीज मेडिसिन में तालीम हासिल की मिस्टर चेन एलेक्स ने 1985 में चाइना से चाइनीज मेडिसिन में तालीम हासिल की और पिछले कई सालों से चाइनीज मेडिसिन में अपनी खिदमत अदा कर रहे हैं। हैंक्चर तकरीबन 2000 साल पुराना चाइनीज तरीका इलाज है ये दुनिया के कदीम तरीन तरीके इलाजों में से एक कदीम इलाज है एक्यूपंक्चर को आज भी एक मौसर कुदरती तरीका इलाज समझा जाता है एक्यूपचर तरीके इलाज में बारीक सुइयां मरीज के जिसम के जगहों में बेहस की जाती है जिन्हें पॉइंट्स कहा जाता है एक ड्रग फ्री तरीका इलाज है जिससे बहुत सी बीमारियों का मौसर इलाज किया जाता है आज हम बात करेंगे कि आकूपंचर कैसे काम करता है और फिर किस किस बीमारियों के लिए आकूपंचर अच्छा है और आज इंशाल्लाह हम दो तीन बीमारियों के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे आ, आ, नाजरीन को कि आंकूपक्चर कैसे किया जाता है पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है ना इलेक्ट्रोकल एनर्जी इंसान के अंदर पाई जाती है उस आकूपंचर उसको कंट्रोल करता है और वो नीडल हम लगा कर छोटी सी बारीक सी नीडल होती है उसके ज़रिए से जो है ना वो एनर्जी हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अभी आपको इस शॉट पर दिखाया जाएगा कि एनर्जी कैसे जो है अंदर और बाहर जाती है इस एनर्जी के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ये एनर्जी इंसान के अंदर 110 वोल्ट के बराबर पाई जाती है जैसे हमारे घरों की बिजली की होती है 220, 230, 240 वोल्ट होता है ऐसे इंसान के अंदर भी जो है ना बिजली का करंट है तो सुई के अंदर कोई मेडिसिन नहीं होता है वो बिल्कुल बारीक सी सुई होती है नीडल होती है और मखसूस पॉइंट्स के ऊपर लगा कर उस पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया जाता है और फिर उस पॉइंट के ज़रिए से हम यानी कि दिल की रफ्तार भी हम तेज़ कर सकते हैं स्लो कर सकते हैं इस तरह जो है किडनीज को भी हम बूस्ट अप कर सकते हैं लंग्स को भी हम बूस्ट अप कर सकते हैं यानी कि जिस ऑर्गन में मसला हो अक के ज़रिए से हम उसकी जो एनर्जी है उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं यही नहीं होता है कि हर वक्त ऑर्गन जो तो उसमें कमी हो तो बीमारी होती है समटाइम क्या होता है कि ऑर्गन जो है ना जैसे कि लिवर ओवर एक्टिंग लेवर हो तो फिर हाई ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाता है सर में दर्द वगैरह होता है तो फिर हमने हमने लिवर को क्या कि काम डाउन करना है और ऐसे कभी कभी क्या कि किडनी की जो है न ए, कमी की वजह से तो फिर क्या कि वो बोन मारो नहीं बनता है फिर मैं कमर में दर्द हो जाता है जो है मेमोरी शॉर्ट हो जाती है फिर जो तो यानी कि सुनाई वगैरह का कम देती है तो यह पेशाब वगैरह ज़्यादा आता है तो यह किडनी की फंक्शन कम होने की वजह से ये होते हैं यह बहरल ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मेडिसिन थियरी क्योंकि बाकी मेडिसिन की थियोरी जो अलग है तो हमारी जो चाइना अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मेडिसन थियरी तो पहले आज आप बात करेंगे कि कमर का दर्द कमर का दर्द अमूमन उसकी क्या वजह होती है और उसकी फिर ट्रीटमेंट क्या है कमर का दर्द हमारे चाइनीज़ मेडिसिन में यानी कि अक्सर जो है ना वो किडनी डिसफंक्शन की वजह से होता है क्योंकि हमारे चाइनीज़ मेडिसिन में हम कहते हैं जी कि किडनी जो है तो वो बोन मैरो बनाती है जिसको हम अपनी जुबान में मिक कहेंगे जो अमूमन जब हम गोश वगैरह खाते हैं तो हड्डी के अंदर होती है तो वो क्या कि जब बोन मैरो बनाती है तो फिर बोन मैरो वो स्पाइन के अंदर जो है ना किडनी से स्पाइन के अंदर जाती है फिर वो सिर्फ स्पाइन को ही नहीं करते करती यानी फ्रेश करती मगर जाकर अंदर ब्रेन को दिमाग दमाव को भी करती है तो अब मौमन आपने देखा है कि जब जिस आदमी को कमर का दर्द हो तो उसमें एक तो क्या कि उनको पेशाब ज़्यादा आता है दूसरा जो उनके जो मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है फिर क्या कि कमर में दर्द होता है और फिर क्या कि कभी कभी जो है ना समाज की कमज़ोरी हो जाए सुनाई कम देता है और ये सारी वजह क्या है कि किडनी के डिसफंक्शन है किडनी में कोई बड़ी ख़राबी नहीं है मगर उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर है वो थोड़ी कम हो गई है तो और टाइम क्या होता है कि जो है ना यह हरीर की हड्डी और इसमें मसला पैदा हो जाता है और मसला क्यों पैदा होता है क्योंकि किडनी जो है वो बोन मैरो से ही नहीं बना रही और बोन मैरो जो है तो हरीर की हड्डी के अंदर स्पाइन के अंदर ऊपर जा नहीं रहा है उसको जो है ना मोइस नहीं कर रहा है और फिर जाकर ब्रेन को भी मोइश नहीं कर रहा है तो अमूमन जो है तो क्या कि इधर जो है ना वो एलोपैथिक डॉक्टर तो इंजेक्शन लगाते हैं कि उसको तर्क करने के लिए तो वो जो है ना कभी कभी दर्द ठीक हो जाता है और फिर क्या कि अगर वो कहते हैं जी ट्रैप नर्व वो क्या होता है कि जब हड्डी जो है तो वो थोड़ा ड्राइनेस होती है तो वो अपनी जगह से हिल जाती है तो जिसके अंदर नसें जा रही हैं तो वो क्या है कि वो ट्रप्ट हो जाती हैं तो आंकूपचर में हम क्या करते हैं सबसे पहले अलहमदिल्ला जो है ना ये मोर थ्री फोर एंड फाइव अमूमन इसमें मसला पाया जाता है तो इसको जो है ना हम किडनीज को बूस्ट करते हैं कि जो बोन मार रो है वो जो है ना पूरा हो कि क, कि रीढ़ की हड्डी को जो है ना तो उसको फ्रेश रखे और उसके साथ साथ फिर क्या कि जो क्योंकि को रूट कोर्स जब ठीक हो जाएगा तो फिर उसके साथ जो जो पेशाब ज़्यादा आना होता है मर्दों में थोड़ा कमी पाई जाती है दूसरा जो है ना समाज की कमज़ोरी हो जाती है दूसरा जो है ना मेमरी वगैरह थोड़ी कमज़ोर हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें जो है ना उसके साथ ठीक हो जाती हैं तो इसका ऑपरेशन के बग़ैरहमदा इलाज हो जाता है ऑपरेशन का ये होता है कि जो जब ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं तो ये ऐसा नाजुक जो तो जगह है कि अगर थोड़ा सा भी जो है ना उसमें कोई फ़र्क पड़ गया तो क्या को नीचे वाला ऐसा जो है ना वो जो है ना ज़ाया हो जाता है आदमी माजूर हो जाता है तो सब नाजरीन से गुजारिश है कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि किमद हिजामे के साथ जो है ना तो बैक पेन के ट्रीटमेंट करवाएँ क्योंकि इसका एक तो एक साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और अहमद हमारे पास जो है ना इस हजामा स्पेश स्पेशल दूसरा आकुपंचर स्पेशलिस्ट है अलहमदिल्ला मैंने ख़ुद भी कोई 18 साल की एक्सपीरियंस है आकुपंचर में और इसके अलावा जो है अलहमद मैं आकुपंचर टीच भी करवाता हूँ जो स्टूडेंट वगैरह देख रहे हैं तो अलहमदिल्ला यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट You take care of the kidneys, boosting the kidney function, uh, and that is the first thing we should look at, at the, uh, in 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 case of the back pain. Then, apart from that, back pain, this can also be due to some accident or the patient might have fallen. तो उसके फिर जो मुख्तु हो सकते हैं अगर तो कोई एक्सीडेंट का केस हो तो फिर अल्मद वो हिजामो उधर बेहतर काम करता है और हिजामे के हमारे पास अल्हद फैसिलिटी है मर्द हजरात के लिए भी है मस्तरात हजरात के लिए भी है अलहमदिल्ला तो पहले तो हम पेशेंट को चेक करते हैं चेक करने के बाद देखते हैं कि क्या उसका जानी कि वट इज़ द रूट कोर्स जब रूट कोर्स उसके जड़ मिल जाएगी बीमारी की तो फिर ट्रीट करना आसान है अलहमदिल्ला बहुत सारे पेशेंट आपसे पूछते हैं कि क्या आंखू पंचर के साथ जो है ना दर्द भी होता है यानी कि आप ये सुइया छोटी छोटी सुइया मुखल पार्ट जिसम के पार्ट पर लगाते हैं तो ये बहुत बारीक सुइया होती हैं और बाल से भी बारीक होती हैं और क्योंकि ये जो इंजेक्शन नीडल है इससे कम अज कम दस है वो ज्यादा मोटा होता है तो इंजेक्शन सब ने लगाया होगा इंजेक्शन से यह जो है ना बहुत कम यानी कि दर्द बिल्कुल होते ही नहीं है तो आंकूपर बहुत एक सिंपल ट्रीटमेंट है आइए अभी आपको जो है ना एक लाइव डेमोस्ट्रेशन बताते हैं किसान कैसे आकूप आकूपंचर किया जाता है आकूपंचर बहुत लोग पूछते हैं आकूपंचर क्या चीज़ है और कैसे काम करता है आकूपंचर एक चाइनीज तरीके इलाज है जो कम अज कम तीन हज़ार साल से चले आ रहा है और वन बिलियन टू हंड्रेड मिलियन चाइनीज़ को जो है ना ट्रीट हो रहा है अभी तक यानी कि चाइना में बहुत बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं और उनमें जो है ना आकुपंजर भी होता है चाइनी हर्बल मेडिसिन भी होता है और साथ साथ जो है ना एलोपाथिक मेडिसिन भी होता है बहरअल आंक्यू पंचर प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दिन ट्रीटिंग द डिजीज एंड आक्यू पंचर आकूपंच है कि एक छोटी सी सुई होती है यह मेक शो sure ये क्योंकि हमारे वीडियो काफ़ी देखते हैं आ, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और स्पेशली जो एजामों वगैरह करते हैं तो जरा उनसे गुजारिश है कि यूज स्टेरलाइज नीडल एंड फॉर योर इजीनेस ये गाइड ट्यूब भी आती है इनके साथ अमूमन जो अच्छा एक्सपर्ट uh, होता है उसको तो गाइड ट्यूब की ज़रूरत ही होती है मगर ये गाइड ट्यूब भी अगर नहीं बदले तो उसके लिए गाइड ट्यूब भी इस्पाल हो सकती है तो ये क्या कि ये छोटी बिल्कुल बारीक सुई होती है आपने टीका तो देखा होगा कि टीका कितना मोटा होता है ये बिल्कुल वेरी वेरी वेरी, वेरी, वेरी फाइन नीडो यानी जस्ट वन टाइम यूज यानी एक बार इस्तेमाल करके इसको फेंक देना है। तो पहले क्या है कि स्पेरिट के साथ साफ किया जाए और फिर अगेन इस, सीक्रेट क्या है कि पॉइंट्स लोकेशन किस बीमारी के लिए किस पॉइंट के ऊपर ट्रीट करना है तो ये एक पॉइंट स्पेश हो तो इसको क्या कि बस ये लग गया और पेशेंट को महसूस भी कुछ नहीं होता है और हम जो ये जो इंसान के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर काम करता है जैसे हमारे घर के अंदर जो है नयेंटा में, में मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा समझ में आसानी हो एक हमारे घर के अंदर गैस की पाइप होती है एक जो है ना पानी की पाइप होती है और फिर एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी होती है ऐसी इंसान के अंदर खून की नालियाँ भी हैं बाकी जो ना, है ना फ्लूड की नालियाँ भी हैं और ऐसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है तो ये आँखों पंचर किसके ऊपर काम करता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इंसान के अंदर और इंसान के अंदर का कम अज़ कम 120 वोल्ट के बराबर जो है ना इलेक्ट्रिक पाई जाती है तो ये क्या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर काम करता है अभी जो है तो इधर एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये इधर ये हार्ट के लिए अगर किसी को दिल की बीमारी हो तो क्या कि इधर जो है ना हम आंकू पंचर करते हैं जापान में इसको आंकू प्रेशर करते हैं इसको ऐसे प्रेशर करते रहते हैं यानी कि मसाज करते रहते हैं और हम क्या कि चाइना में क्या और इधर यूके में क्या कि इसको आंकू पंचर ये छोटी सी सुई लगा देते हैं तो किसी कोई भी दिल का मसला हो तो वो इधर ये इसका जो मेन पॉइंट दिल का वो ये है और मेन पॉइंट जो लंग्स का है बकरणों का वो इधर है अगर कि किसी का आ, दमे की शिकायत हो या कोई मसला हो तो फिर क्या कि वो जो है ना हम इधर इद, इधर नींद लगाते हैं और फिर देखें कि अहमदा इस्लाम में कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं अगर हम सही तरीके से अपने हाथ बांधेंगे तो हम इस पॉइंट को भी मसाज कर रहे हैं और इस पॉइंट को मसाज कर रहे हैं और फिर इधर जो है रिलैक्सेशन पॉइंट है इस पॉइंट को मसाज कर रहे हैं अभी अगर हमारे पास पेशेंट आएगा जिसको थोड़ी टेंशन वगैरह वरी वगैरह की शिकायत है तो या नींद नहीं आती तो उसको हम ये पॉइंट लगाएंगे। अगर कोई पेशेंट आता है जिसको कोई दिल की बीमारी है हार्ट बीट ज़्यादा है या कुछ भी तो वो उसको हम यह लगाएंगे। अगर कोई पेशेंट आता है उसको जो है ना हसमा है या कुछ यानी कि लंग की बीमारी है या टीबी रही है उसको या अभी भी टीबी है तो फिर वो हम यह पॉइंट इस्तेमाल करेंगे इसी तरह बाकी बॉडी के ऊपर भी तीन सौ साठ पॉइंट्स हैं और मुख्तिक पॉइंट मुख्त बीमारी के लिए हैं जब हम रुकू में जाते हैं नमाज के अंदर तो नमाज बताते हैं कि हम जोर से जो है ना अपने घुटनों को पकड़ें क्योंकि इधर भी जो है ना पॉइंट्स हैं जो खून बनाते हैं और फिर जो मैदे के हजमे के लिए हैं तो ये सुबहान जो अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है ना अल्लाह पाक को पता है कि इसमें क्या क्या रखे हैं और फिर ऐसी जो है ना कई आँखों पंचर जो है ना ईयर आँखों पंचर भी कहते हैं कि कान में आँखों पंचर किया जाता है और कान में भी सारे जो ऑर्गन्स हैं वो, वो कान में भी उसकी जो है ना तो लिंक्स हैं तो ईयर आकू भी हम उस पेशेंट को करते हैं कि स्पेशली जिन्हें सिगरेट वगैरह छोड़ना हो या कुछ राह वगैरह में बुरे नशे में पड़ा हुआ हो या हेरोइन वगैरह तो उसका इलाज बाद, बाद किलमदा हम जो है ना फ्री में करते हैं यानी कि, कि किसी भी कोई नशा हो सिगरेट नहीं बहरा ले कोई हेरोइन वगैरह तो उसका इलाज हम फ्री करते हैं और वो आकू पंचर जो है ना हम ईयर में करते हैं और यही इलाज अलहमद पाकिस्तान में भी हमारे जो अस्पताल है पिंडी के अंदर आ, पिशाव रोड के ऊपर तो उसमें भी अहमदा हेरोन वगैरह का वो जो है इलाज हम फ्री पिछले पंद्रह साल से अहमद कर रहे हैं और बहुत ही अफेक्टिव है तो इसके जो है नहमद्ला आँखू पंचर के तीन सौ से पॉइंट है और मुख्तिक पॉइंट के ऊपर मुख्त बीमारी के लिए आँखों पंचर किया जाता है और बिल्कुल पेशेंट को कोई फील भी नहीं होता है और बिल्कुल बारीक सुई और ये सुई निकाल कर फिर इसको फेंक दी जाती है माइग्रेन को आम जबान में आधे सर का दर्द कहा जाता है ये एक आम बीमारी है जो हर पांच औरतों में से एक औरत को जरूर होती है और हर दस मर्दों में से एक मर्द को होती है माइग्रेन का दर्द अमूमन सत्रह से अठारह साल की उम्र से शुरू होता है माइग्रेन जो है ना तो बहुत पेशेंट में पाया जाता है और ऐसा कभी कभी तो ऐसा सवियर माइग्रेन होता है कि साथ साथ वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है कभी माइग्रेन जो है ना सिर्फ़ एक साइड के सर पर होता है कभी दूसरी साइड पर होता है और कभी जो है ना पूरे सर में होता है और कई जो मसरात हमारे पास आती हैं फीमेल पेशेंट आती हैं वो कहते हैं जी कि हमारा तो सर दर्द कभी गे ही नहीं जान हर वक्त सर दर्द मीठा मीठा सर दर्द होता रहता है तो इसकी वजूहत काफ़ी सारी हैं बहरल हमारे चाइनीज मेडिसन में तो हम पहले देखते हैं कि क्या इसका रूट कोर्स क्या है और अमूमा मर्दों में तो अगर सर में दर्द है तो उसका सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए कि क्या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तो ये तो ज़रूर अगर मुसलसल सर में दर्द हो रहा है तो अपने जी की जी के पास ज़रूर जाकर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं क्योंकि ब्लड प्रेशर को कहते हैं जी कि एक साइलेंट किलर है आदमी को पता भी नहीं चलता है और इतना ब्लड हाई हो जाता है और जाकर फॉलेज वगैरह हो जाता है तो इसे इसलिए इसे साइलेंट कलर कहते हैं तो सारे नाजरीन से गुजारिश है अगर सर में कोई शिकायत है सर में दर्द वगैरह है तो पहल, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर चेक करवाएं अगर ब्लड प्रेशर ठीक है अलहमदिल्ला और फिर भी सर में दर्द है तो फिर जो है ना उसका जो है ना चाइनीज़ मेडिसन तरीके से इसका डायग्नोसिस करवाएँ अल्हमदा हमारा डायग्नोज बहुत आसान है और जो है ना और, और रूट कॉज को पकड़ता है अमूमन हमने देखा है तो मस्तरा में सर में दर्द इसलिए होता है कि उनके वजूद के अंदर गरमाइश पैदा हो जाती है इस्पेशली मेंसेस के दौरान और बच्चा होने के दौरान काफ़ी फ्लूड वग़ैरह लूज़ होते हैं तो फिर क्या कि आस्ते 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 क्या कि वजूद के अंदर जो है ना खून के अंदर गरमाइश पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से क्योंकि हीट रेज जैसे अगर हमारे कमरे में भी गर्म हो, हीट होगी तो ऊपर जो है छत के करीब ज़्यादा गर्म होगा नीचे ठंडा होगा ऐसे इंसान के वजूद के अंदर भी जब गर्मी पैदा होती है तो क्योंकि हीट राइज करती है तो बिल्कुल मोस्ट वो क्या कि सर को चली जाती है और उसकी वजह से फिर जो है ना एक तो सर में दर्द होता है दूसरा जो है ना गुस्सा वगैरह ज़्यादा आना दूसरा जो है तो यानी कि रात को डिस्टर्ब नींद यानी कि रेस्टलेसनेस जो है ना रेस्ट आदमी नहीं कर सकता है आराम नहीं कर सकता है और अमूमन ऐसा है कि जो है ना तोलिए के अंदर सर जो है ना झपड़ा हुआ है ऐसे जो है ना हर वक्त फीलिंग होती है और तो ये ये अमूमन गर्मी की आलमत होती है क्योंकि वजूद के अंदर गर्माश है तो इसको जो है तो हम अलहमदिल्ला एक तो आखू पंचर के, तो के साथ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं दूसरा इसको जो है तो हजामे के साथ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और दूसरा जो है तीसरा जो है वो क्या कि जो है ना हर्बल मेडिसन और हर्बल मेडिसन हम इस ऐसे के पेशेंट को क्या कि हम कूलिंग हर्ब्स देंगे कि जो है ना बॉडी को थो, थोड़ा फ्लूड की जो कमी है वो फ्लूड पूरे हो जाए तो फिर क्या कि जब गर्माश निकलेगी तो सिर्फ सर में दर्द ही खत्म नहीं होगा पर साथ साथ क्या कि जो चढ़ापान जैसे ज़्यादा आना वो भी ठीक हो जाएगा उसके अलावा जो है ना कब्ज़ वगैरह की शिकायत आम हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगा मैदे में जलन वगैरह हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगा और फिर जो डिस्टर्ब स्लीप रात को जो है ना नींद सही नहीं आनी वो भी क्योंकि इसका जो रूट कोर्स है वो एक ही है तो अमूमन ये दो वजह हमारे चाइनीज़ मेडिसिन में तो पाई जाती है या तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर तो दो 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 टाइप का होता है अमूमा हमारे चाइनीज़ मेडिसिन में एक तो या तो लिवर ओवर एक्टिंग कर रहा है लिवर फंक्शन जो है ना ओवर एक्टिंग कर रही है और या तो फिर या किडनी की कमज़ोरी की वजह से जो है ना तो वो हैड एक हो रहा है तो उसको पहले हम देखेंगे इनशाला हमारे अस्पताल के अंदर तो टोटली फ्री चेकअप होता है अलहमद्ला और चेक करने के बाद आधा घंटा पौना घंटा लगता है पूरा डायग्नोज करके फिर पेशेंट को हम बताते हैं जी कि हाँ आपकी क्या किस वजह से आपको हेडेक हो रहा है उसकी ये क्या ट्रीटमेंट है और उसके अंदाज में ख़र्चा कितना आएगा और कितना वक्त लगेगा और कितने परसेंट बेहतर होने के चांसेस है आखिर सब तो कोई करने वाला है तो अल्लाह पाक है वो एक मूा साम का वाक़ भी आता है कि मूषा सलाम के जो है ना पेट में दर्द हो गया अल्लाह पाक से अर्ज के अब यहाँ बारीअल मेरे पेट में दर्द मैं क्या करूँ तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो दरख्त जा पत्ते खाओ और आपका दर्द ठीक हो जाएगा मूषा सलाम गए वह दरख्त ढूँढा और दरख़त के पत्ते खाए तो वो ठीक हो गया फिर कोई अरसे बात फिर पेट में दर्द हुआ फिर अल्लाह पाक से नहीं पूछा जाकर उसी दरख्त के पत्ते खाए और पेट में दर्द वो ठीक नहीं हुआ तो अल्लाह पाक से किया या बारी अल्लाह पहले मेरे पेट में दर्द था मैंने इसी दरख्त के पत्ते खाए थे ठीक हो गया था अभी जो मैंने उसी पत्ते उसी दरख्त के पत्ते खाए अभी दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा पहले मैंने उनके अंदर शिफा रखी थी अभी मैंने उनके अंदर शिफा नहीं रखी है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये अल्लाह शिफा जो है वो अल्लाह पाक से आती है हम तो क्या है कि नाम कोशिश करते हैं ये दुआ यानी कि मेडिसिन लेना भी इलाज करवाना भी यह भी एक सुनत अमल है अल्हम्दुलिल्लाह तो ज़रूर अगर मैं सर में दर्द है माइग्रेन वगैरह है तो ज़रूर सब पहले तो क्या कि एक अच्छे हजामे इसके पास चले जाएँ हजामा करवाएँ और अगर उसके बाद भी नहीं ठीक होता तो फिर अलहमदिलाचर और हर्बल मेडिसन तो हमारे पास जो फैसिलिटी अलहमद वो लेडीज़ के लिए लेडीज़ भी हैं मर्द के लिए मर्द भी हैं और अमूमा जो हमारे स्टूडेंट वगैरह सुन रहे हैं कि जो ना लेडीज़ स्पेशली आती हैं उनमें सर में दर्द होता है क्योंकि हम ये सर के ऊपर एक, एक कप लगाते हैं हजामे के लिए तो वो बाल वगैरह मत काटिएगा इसके जो है ना वो कप के ऊपर शेद लगाकर और फिर ऊपर जमाएं तो वो जो है ना कप इंशाल्लाह जम जाएगा अगर ऊपर से थोड़ी देर पकड़ना भी पड़े तो वो क्या है पकड़ लें क्यों कि क्योंकि बाल जो है ना ठीक मर्दों के बाल तो आसानी से काटे जाते हैं मसरात के बाल ज़रा काटना नाम नामनासिब ना, 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 है तो ये जो है तो हम बाल वगैरह इन शाला नहीं काटेंगे तो मसरात के जो है ना हजामा स्पेशली सर दर्द के लिए या हाई ब्लड प्रेशर के लिए अल्मामूम यह पहुंच पाया जाता है इसके अलावा जिधर यह मसा करते हैं ये दो पॉइंट पाए जाते हैं ये बहुत चाहे हम आकू पंचर करें चाहे हजामा करें ये बहुत ही अच्छे पॉइंट है अलहदिल्ला सर दर के लिए और माइग्रेन के लिए इसके अलावा ये सिर्फ तीन पॉइंट नहीं बल्कि इसके अलावा बाकी और पॉइंट्स भी हैं बार अलहमदिल्ला इन शब आप आएँगे तो हम तफसीर से चेक करके फिर आपको बताएंगे हिजामा एक कदीम अरबिक तरीका इलाज है जिसे कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है हजामा जिसम के किसी भी हिस्से पर किया जा सकता है मगर सिर्फ तजर्बेकार हिजामा स्पेशलिस्ट ही जिसम के उन मखसूस हिस्सों का इल्म रखता है हिजामा तीन तरीक़े का होता है जिन्हें वेट कपिंग हॉट कपिंग और ड्राई कपिंग कहा जाता है हिजामा क्या है कैसे होता है और क्यों किया जाता है यह इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे आप नाजरन को बताएँगे कि हजामा क्या है हिजामा एक रसोल पाक सल व् की सुनत है एक, एक एक तरीके इलाज है अम्लिला जो हर बीमारी उसके साथ जो है ना इंशाल्लाह ट्रीट की जा सकती है और ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार हिजामा करवाया और और सहाबा को भी जो है ना हिजामे की तलकिन की और हमारे सहाबा ने भी जो है ना कई बार हिजामा करवाया और हिजामा एक बहुत आसान बहुत आसान और बहुत सस्ता इलाज है और अलहमद्ल हर के ऊपर हो सकता है और जो है ना हर मुल्क में हो सकता है और जान के ये एक सुनत जो हमसे बहुत भूली सुनत है अलहमदिल्ला तो ये अभी जो है ना पिछले दो चार छः साल से बल्कि दस साल से अमद्ला इसके ऊपर बहुत अमल हो रहा है और बहुत मरीज इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और स्पेशली हमारी क्लिनिक भी अल्हमल् हजामा किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से हमला किया जाता है तो हजामे जो है ना तीन किस्म के जो ना, है ना कपिंग है इंग्लिश में इसको कपिंग कहते हैं अरबी में हजामा कहते हैं और कपिंग वेट कपिंग भी है और ड्राई कपिंग भी है और हॉट कपिंग भी है तो यह इनशाला हम आपको तफसीर से बताएँगे बहर ड्राई कपिंग तो ये है कि सिर्फ कप लगाना है और हार्ड कॉपिंग उसके अंदर आग लगा कर कप लगाना है और हिजामा जो हमारा मेन टॉपिक है आज कि वो जो है ना कप लगा कर फिर तो जो गंदा खून बॉडी के अंदर होता है और टॉक्सिन ब्लड उसको निकालना है जब गंदा खून निकल जाता है अलहमदिल्ला पीछे जो है तो ताज़ा खून आता है तो वो क्या है? पेशेंट ठीक हो जाता है बहुत पेशेंट हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो पहले ही खून नहीं है तो आप और निकालेंगे तो क्या होगा तो ऐसी बात नहीं है जो खून आपके रगों के अंदर जा रहा है वो वर्किंग खून हम नहीं निकालते खून जो हम निकालते वो सिर्फ सुपरफिशियल जो ऊपर स्किन से ऊपर जो गंदा खून होता है वो निकालते हैं तो आपके जो अगर आपके पहले हेमाग्लोबिन जो है ना ग्यारह पॉइंट या बारह पॉइंट थी वो हिजामे के बाद भी इंशाल्लाह शह या बारह पॉइंट रहेगी ऐसे कम नहीं होगी तो हिजामे

दो तो शहीदों का सुवाब है और एक शहीद का स्वाब कहते हैं जी उसका एक खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक उसकी नफरत कर देता है तो अल्लाह पाक हम सब को हजामा करने की तोफीक़ दे और इसके अलावा हमें पूरे के पूरे दिन पर चलने की तोफ़ी दे और अल्लाह पाक सारी उम्मत को चाहे ये यहूदी है है जो भी हैं सारे को जो है ना अल्लाह पाक कलमे की दौलत नसीब करे और जहनत छुटारा चुटार, छुटकारा पा कर जन्नत में जाने वाला बना दे तो इसके लिए अभी इन शह हम आपको तफसीरा बताएँगे कि हजामा कैसे किया जाता है इनशाला लाइव आपको बताएंगे इन श्ला तो आइए चलते हैं अभी इनशाला देखते हैं कि हजाम कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है आज हम हजाम की बात करेंगे कि कितने किस्म का जो है ना हिजामा होता है कपिंग होती है इसमें तीन किस्में पाई जाती हैं एक तो जिसको कहते हैं हम हिजामा अरबी में और इंग्लिश में कहते हैं वेट कपिंग और फिर एक दूसरा जो है ना ड्राई कपिंग और एक जो है तो हॉट कपिंग तो वह इन श्रा आज हम आपको बताएँगे कि इन तीनों में फ़र्क क्या है और कैसे किया जाता है तो उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम जो है ना काफ़ी जो लोग हिजामा करते हैं प्रोफेशनली वो भी देख रहे होंगे तो उनके लिए भी थोड़ी मैं हदायत दूंगा कि कैसे जो है ना बेहतर से बेहतर अपने पेशेंट के लिए जो है नमद इसको कर सकते हैं और थोड़ी सी प्रिकॉशन लेंगे तो वो पेशेंट के लिए बेहतर है और फिर हमारे हिजामा सिस्टम के लिए बेहतर है क्योंकि आजकल जो है ना काफ़ी हजामा जो है ना घरों में किया जा रहा है और अभी तो कोई गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मगर ऐसा ना हो ऐसा ना हो अ माफ़ करे कि हमारी ग़लती की वजह से हमारी बेहतियाती की वजह से गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे इस सुनत तरीक़े के ऊपर यह सुनत तरीक़ा अलहमद बहुत फ़ायदेमंद है इन शह हर बीमारी के लिए क्योंकि रसोल पाक सल्लम ने फरमाया कि जब भी बीमार हो जिसका मफहम है कि हिजामा करवा लें करो अत कि जब रसोल पाक सल्लम अर्श मुबारक पर गए तो जब वापस आने लगे तो फरिश्तों ने अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम से अर्ज किया कि आप उम्मत को हजामे की तलकिन करें और फिर कई सहाबा जो है ना हमारे हम हिजामा करते थे तो पहले हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि, कि ड्राई हिजामा क्या होता है ड्राई हिजामा सिर्फ कपिंग वो भी डिपेंड ऑन डिज़ीज़ के क्या डिजीज़ क्या है उसके मुताबिक जो है तो फिर जो है ना कंसल्टेंट जो है तो वो डायग्नोज़ करेगा कि हाँ जी इस मरीज़ के लिए क्या ड्राई कपिंग बेहतर है या हॉट कपिंग बेहतर है या हिजामा बेहतर है तो बहर सारे नाजरीन से मैं कहना चाहता हूँ कि कम अज कम एक बार तो हिजामा ज़रूर करवाएं जो ब्लड लैटिंग जानी कि क्योंकि ये सुनत अमल है अलहमदिल्ला और जो सुन्नत के उम्र अमल करेगा स्पेशली इस, इस किस्म की सुन्नत के ऊपर जो आजकल आम नहीं है तो वो सो शहीदों का सुवाब अहमद मिलेगा तो पहले हम बताएंगे कि ड्राई कॉपिंग क्या है कप जो तो ये नए कप होते हैं डिस्पोजेबल कप होते हैं ये प्लास्टिक के हैं और अच्छी क्वालिटी के जो जामस्ट हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि विद येलो जो है ना तो ये टॉप हो और ये काफ़ी मोटे होते हैं और इनका आप वज़न करें तो दूसरे से ये जो है ना बहरे होते हैं तो ये क्या कि इनके जो जब खून वगैरह जो नहीं गिरता है तो खूब ट्राई बाय बाए और इनके ऊपर ये लिखा हुआ भी है साइज़ क्या है ज़ीरो और क्वालिटी वगैरह क्या है तो ड्राई कपिंग का ये है कि मेन पॉइंट कपिंग का क्या है कि ये हमने पॉइंट्स लोकेशन क्या है पॉइंट्स के ऊपर किस पॉइंट के लिए किस बीमारी के लिए लगाना है यानी कि 360 साठ पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली बॉडी के ऊपर और वो मुख्तु पॉइंट मुख्तलिफ़ बीमारी के लिए काम करते हैं एजामत सिर्फ़ यानी कि कपिंग करना तो कोई भी कर सकता है देखो ये कपिंग क्या करना है कि बस ये कप लगाया और अल्लार सल मगर ये

तो हिजामा मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जब हमने ये कप उतारे तो फिर खून वगैरह नहीं निकलता ये छोटे 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 बारीक मार्क नज़र आते हैं मगर ये भी क्या कि पाँच दस दिन में जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगे और इसके यानी के अब एहतियात पेशेंट को क्या करनी चाहिए कि हिजामे के बाद चौबीस घंटे कम अज कम जो है ना इसको गला ना करें और अगर कोई ख़ारिश वगैरह आए तो ऊपर जो है ना हनी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या कल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं बारूमन अल्हमल नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ पेशेंट जो है ना अलहमद कि, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है इधर हम जो है ना स्प्रेट के साथ उनको साफ़ कर देते हैं तो ये है ड्राई कपिंग यानी कि सिर्फ कप लगाना और इनको पाँच दस बीस मिनट छोड़ देना मोस्टली पॉइंटों के ऊपर और फिर इनको उतार देना तो द, द, दस ये हो गया हमारा ड्राई कपिंग अभी जो, तो वेट कौपिंग, वेट कौपिंग है? के के जो है तो वेट कपिंग वेट कपिंग का क्या है कि इसी के ऊपर जो है तो इसको लगा कर पाँच दस मिनट इसको छोड़ना जब सारा टॉक्सिन ब्लड जो है गंदा खून एक जगह पर जमा हो जाएगा तो वो अमूमन जगह भी काली पड़ जाती है ये जगह जो है तो अभी काली नजर आ रही है ये भी थोड़ी काली नज़र आ रही है तो इधर इसका मतलब कि थोड़ा ज्यादा मसला था इधर थोड़ा ज्यादा मसला था इसमें काली नहीं है तो आलहमदा इधर कोई खून की खराबी इतनी नहीं थी तो ये ऊपर लगा कर फिर क्या कि ऐसा छोटा सा ब्लेड आता है ये ये ब्लेड और ये स्टेरलाइज ब्लेड होते हैं और जब बस ऐसे ऐसे करेंगे ना तो पेशेंट को इतना महसूस नहीं होगा दूसरे जो है ना तो यानी कि हाइजीन का बहुत खास ख्याल रखना है यानी कि हर हिजामिश जो ना बाय राइट शुड बी ड्रेस लाइक दिस कि इधर से जो है ना कोई कोट को ला कर एक खून के ला कर दूसरे को ना लगे और फिर कोशिश करे कि सर भी कवर्ड हो क्योंकि भे हमारे चाइनीज हज़रा ये, 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 ये हिजाम कर ही नहीं रहे इसलिए इनका सर जो है ना कवर्ड नहीं है तो अल्हमार तो सर वैसे जो जो रसोल पाकल्लम के सोने को उबरमल करते हैं तो सर हर वक्त डांपर रहता है तो कोशिश करें कि सर भी डांपा हो ग्लव्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एपरेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फिर जगह भी जो है ना साफ होनी चाहिए प्लीज़ डू नॉट डू ऑन ऑन अ नॉर्मल बेड वो पता नहीं उस बेड में क्या क्या होते हैं सो तो इट मस्ट बी वेरी क्लीन कि इसका अलहमला साइड इफेक्ट कोई नहीं है बस शर्त है कि हम जो है ना हाइजीन का खास ख्याल रखें क्योंकि जो रसोल पाक सरमाया जो उन्होंने कहा जो 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 उन्होंने किया उसमें किसी किस्म का कोई शक हो ही नहीं सकता कि किसी किस्म का साइड इफेक्ट हो बत बशर्ते कि हम जो है ना पूरे जो है ना हाइजीन का हाथ ख्याल रखें तो ये हो गया वेट कपिंग इसके बाद फिर आता है जी के हॉट कपिंग हॉट कपिंग क्या है कि वो जो है तो वो गिलास के कप होते हैं तो गिलास के कप फिर इसको हम फायर के साथ जो है ना इस्तेमाल करते हैं तो ये इस इसके ऊपर कॉटन के ऊपर सिर्फ जो है ना लगा हुआ है इस्परिट और इसको ऐसे गर्म करके तो बस इधर चिमका देना बस ये अभी चिमट गया और और पेशेंट को बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है तो लगते बहुत आसान है भी आसान है अलहमद थोड़ी एक्सपीरियंस वाला हिजाम में से हो ना तो कोई मसला ही नहीं है अलहमदिल्ला तो ये इस, इसको कहते हैं हॉट कपिंग तो ये क्या किसके लिए आ, आ, अच्छा है कि स्पेशली जोड़ों के दर्द वगैरह में और स्पेशली जो, जो जोड़ों का दर्द या कमर का दर्द सर्दी के मौसम में जो है ना तो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो अंदर जो है तो डंप होती है तो इसके लिए जो है ना ये हॉट कॉपिंग हम लगाते हैं अब मम फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है तो उसका जो है हम वेट कॉपिंग सॉरी हॉट कॉपिंग लगाएंगे तो उसके साथ भी जो है ना बहरहाल वो हर पेशेंट को हम कमस, कम से कम पंद्रह बीस मिनट लगाते हैं कभी कभी तो आधा घंटा लग जाता है चेक करने में डायग्नोज़ करने में फिर डायग्नोज़ करने के बाद जो है ना को वो देखते हैं कि कौन से कपिंग जो है ना तो उसके लिए मफ़ीज़ है तो सारे नाजरीन से गुजारिश है कि अलहमद जो है ना कमस, कम अज़ कम जिंदगी में एक बार जो है ना कपिंग करवाएँ और इसके अलावा जो है ना हमारे अस्पताल के अंदर कपिंग की ये टीचिंग भी होती है अलहमदिल्ला हम टीचिंग भी करवाते हैं इधर और टीचिंग का ये है कि एक तो वीकेंड का कोर्स है जो अपनी फैमिली के ऊपर अगर सिर्फ करना चाहते हैं अपने आप अपने ऊपर करना चाहते हैं और अगर तो प्रोफेशनली करना है तो फिर उसका जो है तो सिक्स टू तो नाइन मंथ्स कोर्स है और उसकी जो है तो फिर जो डिप्लोमा मिलेगा वो एक हमारी अस्पताल की तरफ से मिलेगा दूसरा जो है ना ऑक्सफर्ड कॉलेज से मिलेगा और तीसरा जो है ना सेंट जॉन एम्बुलेंस से मिलेगा तो जो हजरात इसमें इंटरेस्टेड है अगर टीचिंग में तो वो वीकेंड कोर्स अमूमन होते हैं अलहमदिल्ला क्योंकि जोरिंग डे काम करते हैं जूरिंग द वीक काम करते हैं तो वीकेंड कोर्सेज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और फिर इसकी ब्यूटी ये है कि उसके बाद जब टीचिंग हो जाए तो उसके बाद जो है तो अगर खुदा न हाथ किसी पेशेंट को कोई मसला है तो वो जो कंसल्टेंट है वो अपने पेशेंट को इधर ला सकता है और तो प्रैक्टिकली हम उसको इंशाल्लाह दिखा सकते हैं